हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई नई रेसिपीज को देख सकें। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी, बहुत ही तीखी मसालेदार इंस्टेंट मिर्ची फ्राई। आप इसको एक बार मेरे बताए हुए तरीके से जरूर बनाइएगा। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसको बनाकर फ्रिज में 20 से 25 दिनों तक रखकर आराम से खा सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मिर्ची फ्राई। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मीडियम साइज की हरी मिर्च ली है। इनको धोकर मैंने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। इन मिर्ची फ्राई को बारीक वाली मिर्चों के साथ भी बना सकते हैं। अब हम अपनी इन सभी मिर्चों की पीछे से डंठले तोड़ देंगे। आप इसको हरी मिर्च की सब्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसे दाल चावल, पूड़ी, पराठा, स्टफ पराठा, नान, कुलचा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी सारी मिर्चों की डंठलों को तोड़ लिया है। अब मैं आपको इनको काटने का तरीका भी बता देती हूँ। अब एक चाकू की मदद से मैं इसको दो हिस्सों में काट लूंगी। अगर आपकी मिर्ची ज्यादा लंबी है तो आप उनको इस तरीके से चार हिस्सों में भी काट सकते हैं। मेरी ये मिर्च छोटी है, मैं इसको दो हिस्सों में ही काटूंगी। इसी तरीके से हम अपनी सारी मिर्चों को काट लेंगे। अगर हम अपनी मिर्चों को एक ही साइज में काटेंगे तो ये बनने के बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, हमारी सारी मिर्चें कट चुकी हैं। अब हम अपनी फ्राई मिर्ची का चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन या कढ़ाई लीजिए, उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया डालेंगे और इन सब को हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 साबुत लाल मिर्च डाली है। इनको भी हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख लूंगी। अब इसी पैन में मैं 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल लूंगी। आप यहाँ पर चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून पीली सरसों डालूंगी, जिसको मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया था। 1/2 टीस्पून रायदाना डालूंगी। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप 1 टीस्पून रायदाना भी डाल सकते हैं। देखिए, पीली सरसों और रायदाना अच्छे से भून लिया है। अब मैंने जो मिर्ची काट कर रखी थी, मैं उनको इसमें डालूंगी। अब हम अपनी इन मिर्चों को लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं अपनी गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी और इनको ढककर लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगी। देखिए, हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूंगी। अब मैं इन सब को ग्राइंड कर लूंगी। देखिए, हमारा मसाला ग्राइंड होकर आ चुका है। आप इसको थोड़ा दरदरा या बारीक अपनी पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हम अपनी मिर्चों को भी चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारी मिर्चें थोड़ी थोड़ी फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनके ऊपर अपने मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इनके ऊपर 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक और अपनी मिर्चों में अच्छा रंग लाने के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ऊपर से जो हमने मसाला पीस कर रखा था, मैं अपना सारा मसाला इसमें डाल दूंगी। अब ऊपर से हम 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिर्चें जैसे जैसे मसालों के साथ मिक्स हो रही है, ये दिखने में कितनी मजेदार लग रही है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तो भी आप इन मिर्चों को बनाकर साइड डिश में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। देखिए, हमारी मिर्चें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं।
अब मैं ढक्कन लगाकर इनको 2 से 3 मिनट के लिए और पकने दूंगी। मुझे 2 मिनट हो चुका है, मैं अपनी मिर्ची को चेक कर लेती हूँ। अरे वाह, देखिए मसाले के साथ मिलकर मिर्ची कितनी अच्छी लग रही है, आ रहा है ना मुंह में पानी। अब मैं अपनी तैयार मिर्चों के ऊपर हल्का सा चाट मसाला या आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें। लीजिए, हमारी मसालेदार इंस्टेंट मिर्ची फ्राई बनकर तैयार है। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी इंस्टेंट मिर्ची फ्राई कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आती रहूं।